नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवू और आप लोग देख रहे हैं देवूस स्टूडियो। दोस्तों ये जो वीडियो है ये ट्यूटोरियल पार्ट टू है। इसका पार्ट वन मैंने पहले से ही अपलोड करके रखा है और इसका एक मैंने टाइमलेप्स वर्सन भी, इस पूरे पेंटिंग का एक टाइमलेप्स वर्सन भी मैंने पहले अपलोड किया है। अगर आप लोगों ने पहले से ही वो दोनों वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाके उन दोनों वीडियो का लिंक दोनों वीडियो को चेक कर लीजिए और फिर इस वीडियो को देखिए। दोस्तों अगर आप एक आर्टिस्ट हो, पेंटिंग आपका पैशन है, पेंटिंग आप सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर इस चैनल में आप नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ऑलरेडी फेस का जो काम है वो हो चुका है, अब हम गारमेंट्स के ऊपर फोकस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये जो गमछा है उस गमछे को हमें बनाना है, वही तरीका है बिल्कुल मैकेनिकल पेंसिल्स के थ्रू हमें बेस लेयर, जो बेस टोन है, इस बेस टोन को क्रिएट करना है, धीरे धीरे से शेडिंग करना है बिल्कुल अच्छे से। और इसी तरीके से हमें पूरे गमछा के पार्ट को मैकेनिकल पेंसिल्स के थ्रू हमें बेस शेडिंग करेंगे। ये बेस टोन होगा, इसके ऊपर हम लेयर वाइज एक के बाद एक पेंसिल्स का लेयर लगाएंगे और हमारा जो शेडिंग का प्रोसेस है वो आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अब हमें एक ड्राई ब्रश लेना है और ड्राई ब्रश के थ्रू हमें जो पहले हमने जो बेस टोन क्रिएट किया था उस बेस टोन के ऊपर ब्लेंडिंग करना है। और ब्लेंडिंग का एक इम्पोर्टेंस ये है, जो पेंसिल्स का स्ट्रोक्स है, स्ट्रोक्स को स्मूथ करता है। देखिए कितना स्मूथ हो रहा है और थोड़ा सा डार्क भी हो रहा है। हमेशा याद रखिएगा बेस टोन के ऊपर या बेस लेयर के ऊपर हमेशा जो ड्राई ब्रश है, ब्रश से ही हमें ब्लेंडिंग करना चाहिए। अब दोस्तों हमें एच बी पेंसिल का यूज़ करके सेकेंड लेयर या सेकेंड टोन, आप जो भी बोल सकते हो, लगाना है। ये हमें एकदम से डार्क नहीं करना है। पहले हमने बेस टोन क्रिएट किया मैकेनिकल पेंसिल से, फिर हमने एच बी पेंसिल का अब मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसी तरीके से धीरे धीरे ग्रेजुअली हमें लाइट से डार्क की तरफ जाना है। वो डिपेंड करेगा रेफरेंस इमेज के ऊपर कितना ज़्यादा डार्क है, कितना ज़्यादा लाइट है। मुझे अब एच पी पेंसिल का ज़रूरत है, इसीलिए मैं एच पी का लेयर लगा रहा हूँ। फिर इस लेयर को लगाने के बाद फिर से ड्राई ब्रश से हमें ब्लेंडिंग करना है। और दोस्तों अगर आप लोगों को और भी ज़्यादा स्मूथ इफेक्ट चाहिए पेंसिल का, तो आप इसी तरीके से एक टिश्यू पेपर लेके भी आप ब्लेंडिंग कर सकते हो। पहले ड्राई ब्रश से किया, फिर हमने टिश्यू पेपर से किया, बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है पेंसिल्स का स्ट्रोक्स। अब दोस्तों 4B की पेंसिल से हमें इस गमछे के ऊपर इस तरीके से, जैसे मैं कर रहा हूँ, इस तरीके से कुछ डार्क लाइन्स क्रिएट करना है। इस तरीके से कुछ डार्क लाइन्स क्रिएट करना है और साइड को भी, गमछे की साइड को भी थोड़ा सा डार्क कर लेना है। वो उस इसका भी एक कारण है, एक रीज़न है। जब मैं इस गारमेंट्स की बाकी पोर्शन को बनाऊंगा तब इस गमछे का रियलिस्टिक इफेक्ट तभी दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा क्योंकि सराउंडिंग्स का जो पोर्शन है उस पोर्शन बिल्कुल वाइट हो रहा है। इसीलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इस गमछे के रियलिस्टिक इफेक्ट को देखने के लिए। और बीच में थोड़ा सा हम जो नीले इरेजर के स्ट्रो हमें हाईलाइट भी करना है बीच में। अब दोस्तों नीले इरेजर से हमें थोड़ा सा ग्रिड लाइन को इरेज करना है, फिर एक मैकेनिकल पेंसिल लेना है और इस मैकेनिकल पेंसिल से फिर से कपड़े के जो बाकी पोर्शन है उस बाकी पोर्शन को हमें फिर से मैकेनिकल पेंसिल से शेडिंग करना है। ये अब बेस टोन है, बेस टोन को फिर से हमें क्रिएट करना है जैसे हमने गमछे को बनाया था, ठीक उसी तरीके से हमें बाकी पोर्शन को भी बनाना है।
दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो गारमेंट्स है वो हो चुका है गारमेंट्स का काम, लेकिन इस गारमेंट्स को ज़्यादा रियलिस्टिक दिखाने के लिए हमें बैकग्राउंड को अच्छे से सेटिंग करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ का हमें ध्यान देना है, जो बैकग्राउंड है वो ज़्यादा डार्क होना चाहिए, गारमेंट्स की जो शेडिंग है उससे थोड़ा सा ज़्यादा डार्क होना चाहिए। इसीलिए हमें इसमें 4B या 6B जैसे पेंसिल्स का यूज़ करेंगे डायरेक्ट। दोस्तों गारमेंट्स को और ज़्यादा रियलिस्टिक दिखाने के लिए हमें लेफ़्ट साइड में भी थोड़ा सा ज़्यादा डार्क शेडिंग करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसमें 4B का पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और साथ में ब्लेंडिंग भी कर रहा हूँ ताकि हमारा जो गारमेंट्स है वो ज़्यादा डार्क रियलिस्टिक दिखे। मैं नीडेड इरेजर का यूज़ करके हाथों के जो ग्रिड लाइंस है जो पहले से बना हुआ है जो ग्रिड लाइंस, उस ग्रिड लाइंस को इरेज करना है, क्योंकि हाथों का जो शेडिंग है वो बहुत लाइट होने वाला है और इसीलिए ग्रिड लाइंस को हमें इरेज करना बहुत ज़रूरी है। और फिर तो हमें बहुत ही लाइटली मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके बहुत ही लाइटली हमें बेस टोन क्रिएट करना है हैंड्स के पोर्शन में। हैंड्स को हमें बहुत ज़्यादा इसमें हमें हमारा जो शेडिंग है बहुत ज़्यादा लाइट होगा, तभी हमारा जो हैंड्स है वो रियलिस्टिक दिखेगा। अब दोस्तों हमें एक ड्राई ब्रश से फिर से ब्लेंडिंग कर लेना है। हमने जो शेडिंग किया था उस शेडिंग को, बेस टोन को हमें फिर से ब्लेंडिंग करना है ड्राई ब्रश से, और हर स्टेप में ब्लेंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों हमें एक नीडेड इरेजर लेना है और हैंड के बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच हमें थोड़ा सा हाईलाइट करना है। ये हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, तभी चीज़ें जो है जो रियलिस्टिक होगा। अब दोस्तों इस पोर्शन में हमारा बेस टोन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये जो पोर्शन है ये पोर्शन बहुत ही ज़्यादा लाइट है, इसीलिए हमें फिर से मैकेनिकल पेंसिल से ही सेकेंड टोन या फिर अब सेकेंड लेयर भी बोल सकते हैं, सेकेंड लेयर को लगाना है। बहुत ही धीरे धीरे से बहुत ही लाइटली हमें सेकेंड लेयर लगाना है, और एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, जो हमने हाईलाइट किया था उस हाईलाइट के ऊपर सेकेंड लेयर नहीं लगाना है, हाईलाइट की साइड में हमें सेकेंड लेयर लगाना है। अब दोस्तों हमने बिल्कुल उसी मेथड का यूज़ करके जैसे हमने पहला हैंड बनाया था, अब दूसरा हैंड जो है बिल्कुल उसी मेथड से, बिल्कुल लाइटली मैकेनिकल पेंसिल से ही हमें दूसरा हैंड यूज़ बनाना है, और इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो हमने पहले से किया था उसी प्रोसेस को हमें सेकेंड हैंड में रिपीट करना है। अब दोस्तों फिंगर्स में हमें पहले मैकेनिकल पेंसिल से बेस टोन क्रिएट करना है, फिर मैकेनिकल पेंसिल्स का लेयर लगाने के बाद हमें ब्लेंडिंग करना है ब्रश से, और फिर हमें एच बी और 2B तक का पेंसिल लगाना है, क्योंकि फिंगर्स के जो पोर्शन है वो थोड़ा सा डार्क है, हैंड्स की बाकी पोर्शन के मुताबिक ये जो पोर्शन है थोड़ा सा डार्क है, इसीलिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा डार्क करना पड़ेगा। और इसी तरीके से बीच में कुछ हाईलाइट भी हमें करना है ताकि जो फिंगर्स है वो रियलिस्टिक दिखे, कुछ इस तरीके से। हमारा दोस्तों सेकंड पार्ट ख़त्म होता है।